इसको इसमें से जो दूध निकलता है बहुत देखा होगा आपने, ये एक मेन आइटम है जिसके जरिए हम अपना ऑर्गेनिक स्प्रे बनाते हैं। इसको पानी में डाल देते हैं, नीम के पत्ते पानी में डाल देते हैं, धतूरा पानी में डाल देते हैं, तीन चीजें पानी में डाल के छोड़ देते हैं, हफ्तों तक इसका पानी स्प्रे कर देते हैं, कीड़ा भाग जाता है, हमें कोई जहर का स्प्रे करना नहीं पड़ता। हत्ता कि हमारी कॉटन की फसल जिसको लोग ऑर्गेनिकली लगाते ही नहीं है क्योंकि इंसान ने तो कंज्यूम करना नहीं है उसको, वो भी हमने ऑर्गेनिक लगाई हुई है, उसका कीड़ा भी हम इसी के जरिए कंट्रोल करते हैं। आइए नीचे कांटे देख ले, इस ड्रम के अंदर अफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं हम लोग, जो वो बताया था ना मैंने कि घर के अंदर से हम क्या करते हैं, हमारे किचन में जितना भी वेस्ट होता है, उसके लिए हमने एक डब्बा बनाया हुआ है, जितने भी कचरा निकलता है चाहे वो छिलके हैं, चाहे वो अंडे के छिलके हैं, चाहे वो अंडे के छिलके हैं, चाहे वो बची हुई हड्डियाँ हैं, चाहे बचा हुआ खाना है, जो चीज़ें जो भरना आता है उसको यहाँ वहाँ पर ले आते हैं, और 25% अपना उसको कॉम्पोस्ट करते हैं, 25% कॉम्पोस्ट, 25% गोबर, 50% पानी डाल के चार हफ्तों के लिए छोड़ देते हैं, चार हफ्तों के लिए। जी जी बिल्कुल। ये तरीका अच्छा है, ये जो है ना आपने इसको जैसे यहाँ लगाया हुआ ना, एक बाथरूम के ग्रो में लगा दिया और उसमें डालते गए वो ऑटोमेटिकली निकलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहा जी। नहीं हमें यहाँ सुराख किया, देखिए यहाँ पर पानी के साथ जाता है, पानी खोलिए वहाँ से गड़बड़ है, गड़बड़ है, तो इस सुराख इसका है पानी, वो जब चार हफ्ते हो जाते हैं इसको, इसके आगे सुराख वाला छोटा छोटा सुराख है, वो खोल देते हैं, पानी के साथ साथ सारे इक्वली सब जगह चले जाते हैं, तो सबका सबका पूरे न्यूट्रिएंट्स फराम हो जाते हैं, सबको मिल जाता है, सबको मिल जाता है। इसमें क्या क्या मिक्सर है दोबारा रिपीट कीजिएगा, दोबारा डालो और इधर आ जाओ थोड़ा सा ताकि सब सुन लेना, और ये पानी से कर रहे हैं या हम तीन तरीकों से अपने ज़मीन को फर्टिलाइज कर रहे हैं, तीन तरीकों से। एक तो ये होता है कि जब ये जो गोबर निकल रहा है मुर्गियों का है और जानवर गोबर है, हम ट्रैक्टर चलाने से बचा, ट्रैक्टर चला हुआ देखा ना आपने, हम ज़मीन में डाल देते हैं और ट्रैक्टर के जरिए ज़मीन में मिक्स हो जाता है, वो डीकम्पोज होता है तकरीबन 1.5 से 2 साल में, ये लेंथी वो है प्रोसेस है जिसके ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज होता है। हमारे पास गोबर बहुत बड़ी मकदार में होता है, हम सारे ड्रम में डाल सकते हैं, ड्रम डाले फौरन कट जाएगा, तो जो ज़्यादा होता है वो हम सारे ज़मीनों में डालते हैं डायरेक्ट। दूसरा तरीका ये होता है कि जहाँ जहाँ पानी गुजर गया, देखिए जब पानी गुजर गया ना यहाँ पर, देखिए आपकी हाथ लगाया ना, इसके आगे हम गोबर डाल देते हैं और जो भी हमारा कॉम्पोस्ट हो सब इसके आगे डाल देते हैं। पानी के साथ क्या होता है वो टी बन बन के जा रही होती है, लेकिन चूंकि ये एनारोबिक नहीं है, एरोबिक है यानी ये खुला है, तो ये भी कॉम्पोस्ट डीकम्पोस्ट आहिस्ता आहिस्ता होता है। एनारोबिक ये होता है कि पानी के अंदर आप उस चीज़ों को डाल दें, पानी के अंदर खसूसियत है पानी जल्दी चीज़ों को गला देती है, गलाने में तेज़ी फराम करती है, तो जो 1.5 साल में गोबर डीकम्पोज होता है और कंपोस्ट डीकम्पोज होता है वो इस ड्रम के अंदर 4 हफ्तों में हो जाता है। हम क्या करते हैं वही सारा कंपोस्ट, कौन सा कंपोस्ट, घरों के अंदर से हम सारा जो भी किचन से कचरा निकलता है उसको हम एक ड्रम के अंदर जमा कर लेते हैं, उसमें क्या क्या डालेंगे आप, किचन से क्या क्या वेस्ट निकलता है आपके बताइए, चाय की पत्ती है, अंडे के छिलके हैं, हड्डियाँ हैं, जो भी चीज़ आप जी पत्ती का शॉपर है, नहीं शॉपर नहीं इसी ने बताना जा रहा था कि जो प्लास्टिक वेस्ट है या ऐसी चीज़ है जो कंपोस्ट नहीं है उसको अपने अलग डालना है, अलग रहेगा, और जो चीज़ गल सड़ जाती है डीकम्पोज मतलब जो गल सड़ जाती है उसको आप एक ड्रम के अंदर जमा कर लेना, ऑर्गेनिक हाँ।
हम क्या करते हैं वहाँ से लाके इसको इसमें डालते हैं, 25% वो कंपोस्ट डालते हैं, 25% गोबर डालते हैं और 50% पानी डाल के ऊपर से इसमें पत्ती डाल देते हैं, थोड़ी सी पत्ती। पत्ती जो है ना वो माइक्रोब्स बनाने में तेज़ी फराहम करती है क्योंकि मीठी होती है। लोग इसमें शीरा डालते हैं, गुड़ डालते हैं, महंगा आइटम है, हमें पत्ती फ्री में मिल जाती है, उसमें वो डाल के इसको 4 हफ्तों के लिए छोड़ देते हैं। पत्ती का मकसद इस प्रोसेस को और मजीद तेज करना है। पत्ती से जैसे केमिस्ट्री में हम एक काम यूज करते हैं कैटलिस्ट, अच्छा उसका भी मकसद यही होता है किसी केमिकल प्रोसेस को तेज कर देते हैं। प्रोसेस को तेज करिए, पत्ती डाल देते हैं, 4 हफ्तों में छोड़ देते हैं, 4 हफ्ते में अफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 तैयार हो जाता है। जब 4 तैयार हो जाए 4 हफ्तों में तो पानी के जरिए इसको हम छोड़ देते हैं और ये पूरे ज़मीनों में इक्वली चला जाता है। हमारी सारी फसलें इसी के जरिए जो है चल रही है, हमने इसमें कोई यूरिया कोई केमिकल नहीं डाला वाला अल्हम्दुलिल्लाह, और अंदर 3 साल से भी काम कर रहे हैं, अंदर कभी कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। ये पत्ती जो थी पत्ती वाली होती है जो कहवा बना के जो है, नहीं नहीं दूध पत्ती सब कोई सी पत्ती डाल रहे हैं, दूध पत्ती के जरिए गले सड़े पर तेज़ हो जाता है। लोग उसकी जगह गुड़ डाल रहे होते हैं, शीरा डाल रहे होते हैं, तो महंगा है या वो सस्ते में मिल रहा होता है। हमने एक काम और भी किया हुआ है कि बंदा रखा हुआ है जो कि मुख्तलिफ चाय खानों से जो उनकी पत्ती इस्तेमाल शुदा पत्ती वो ले आता है, फिर हम उस पत्ती को जी अगर हम अपने घर की इस्तेमाल की पत्ती अलग रखें और बाकी कंपोस्ट एक तरफ रख लें और वो पत्ती ऊपर से जैसे आप कह रहे हैं बराबर डालते हैं, या हम इससे भी आसान कर लें कि वही पत्ती जो हमारी कंपोस्ट में पड़ी हुई है हम इजाफी ऊपर से ना डालें, वही करना है। यानी यह पत्ती निकलती रहेगी, आपने डालते रहे ताकि हर लेयर पर पत्ती मौजूद हो, जितनी पत्ती मौजूद होगी उतने जल्दी उसमें जो है गलने सड़ने का अमल बढ़ जाएगा और वो आपको जल्दी से। अच्छा मैंने ये बताया था उसमें कि आप ये घर पे तो नहीं कर सकते, आप स्मेल इसकी बहुत होगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने, पूरी जगह या तो पता नहीं चलता सही। इसका हल हमने मैंने बताया था उसमें, और इंशाल्लाह दोबारा बताऊंगा मैं आपको, अभी बता रहा हूं कि हमने घरों में क्या करना है। हम ज़्यादातर कराची वाले फ्लैट्स में रहते हैं, तो हमने क्या करना है भाई बताइए, छत पे क्या करना है जी? इसको ये करना है कि आपने गमला लेना है, मिट्टी का गमला लेना है, थोड़ा बड़ा गमला, जितना बड़ा गमला ले सकते हैं मैक्सिमम ले रहे हैं, उसमें नीचे 50% कंपोस्ट डाल दें ये वाला, ऊपर इसको मिट्टी से ढक दें तो बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी मिट्टी की, जो कंपोस्ट के अंदर कीड़े पैदा होंगे वो भी आपको नज़र नहीं आएंगे। समझो कीड़े पैदा होना अच्छी बात है, कीड़े भी कंपोस्ट से हमारे को मज़ीद तेज़ कर देते हैं और होते हैं लाजमी मिट्टी के अंदर। सारा काम चले 6 महीने में आपको कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। अब इसे 8-10 गमले बना कर रख दें, हर 6 महीने 15 दिन बाद जो ना एक एक गमला निकाल के अपने उसमें पौधों में डालते रहें, आपको कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में ताज़ा सब्ज़ियाँ होंगी, बेहतरीन सब्ज़ियाँ होंगी, हर किस्म की सब्ज़ी घर में उगा सकते हैं। लॉस में तो पानी नहीं डालेगा इसमें, नहीं उस पानी डालना ना, कंपोस्ट से पानी डालना, तो ये सब पानी से तो होगी, उसको बंद करके रख दें 6 महीने गल जाएगा। जो सॉलिड बच गया इसके अंदर 4 हफ्ते बाद बहुत सी चीज़ें गलती सड़ती रही हैं, वो थोड़ी थोड़ी गलती हैं, हम उसको जमीन नीचे रहते हैं थोड़ा सा और डाल के फिर दोबारा बना लेते हैं। वो जो कुछ चीज़ें 4 हफ्ते में गल जाती, जो चीज़ें वो 6 महीने में गलती, कुछ चीज़ें वो 2 साल में गलती हैं, पड़ी रहें हमें क्या, चलती रहती हैं। आइए।